मुगल काल की सबसे महंगी शादी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। 8 दिन तक चली थी दावत। मुगल बादशाह शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बहुत ज्यादा स्नेह करता था। यदि हम दारा शिकोह की बात करें तो यह मुगल राजकुमार बेहद जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। दारा शिकोह को यदि हम मुगल घराने का सबसे विद्वान शाही शासक की पदवी से नवाजें तो यह कुछ भी गलत नहीं। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह एक प्रखर विचारक, अनुवादक और कवि होने के साथ साथ धर्मशास्त्रों का ज्ञाता भी था। दारा शिकोह फाइन आर्ट्स में भी बेहद रुचि रखता था। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सर ए अकबर के नाम से करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने श्रीमद् भगवत और योगा वशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद करवाया। जहां मुगल बादशाह शाहजहां अपने पुत्र दारा शिकोह को सैन्य अभियानों पर भेजने का हिम्मयाती नहीं, वहीं दारा शिकोह को भी सैन्य मामलों में कोई रुचि नहीं थी। कुल मिलाकर दारा शिकोह का व्यक्तित्व और कृतित्व सोफियों की तरह ठीक। इसके विपरीत दारा शिकोह की शादी मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी के रूप में जानी जाती है। इस स्टोरी में हम आपको मुगल इतिहास की सबसे महंगी से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। शाहजहां अपने पुत्र दारा शिकोह को इतना प्रेम करता था कि उसने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि दारा शिकोह ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेगा। बतौर खर्च दारा शिकोह को 1000 रुपये का दैनिक भत्ता भी दिया जाता था। अब हम बात करते हैं दारा शिकोह की शादी की, जिसमें उन दिनों 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1 फरवरी 1633 में दारा शिकोह और नादरी बानी बेगम की शादी हुई थी। इस शादी में नादरी बानी बेगम ने 8 लाख रुपए का लहंगा पहना। दारा शिकोह पर किताब लिखने वाली अविक चंदा के अनुसार 1 फरवरी 1633 में शादी संपन्न हुई, लेकिन इससे जुड़े कार्यक्रम और दावत 8 फरवरी तक चले थे। यानी दारा शिकोह की शादी के कार्यक्रम का जश्न लगातार 8 दिनों तक जारी था। हालांकि दारा शिकोह की शादी से पहले ही उनकी मां मुमताज महल का निधन हो चुका था। आगरा में संपन्न हुई दारा शिकोह की शादी में आम से लेकर खास लोगों तक की दावत दी गई। उन दिनों दारा शिकोह की बड़ी बहन जहां आरा बेगम बादशाह का पद हासिल था। ऐसे में अपने भाई दारा शिकोह की शादी में जहां आरा ने अपनी तरफ से 16 लाख रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब है कि दारा शिकोह की शादी में खर्च हुए 32 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए शहजादी जहां आरा के थे। नादरी बानो बेगम को दारा शिकोह एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इस शादी में सबसे दिलचस्प घटना यह भी थी कि शादी के वक्त इतने पटाखे छोड़ाए गए कि आगरा का आसमान जगमगा उठा। इन पटाखों की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रात में भी दिन जैसा लग रहा था। शादी में पकवान से लेकर लिबास तक सब कुछ शाही अंदाज में आयोजित किया गया। दारा शिकोह की शादी की पूरी जिम्मेदारी मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल बादशाह बेगम जहां आरा के हाथों में थी। इस शाही शादी की सभी व्यक्तित्व चीजों जहां आरा ने खुद भी देखा था। ऐसे में मुगल इतिहास की शादी में जब भी जिक्र होता है तब दारा शिकोह की शादी के बारे में लोग एक बार जरूर चर्चा करते हैं। इस तरह और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना। सत्ता के लालच में औरंगजेब ने अपने विद्वान भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। कमेंट करें।